हेलो फ्रेंड्स, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एसएससी की ओर से नया और इम्पोर्टेंट अपडेट और नोटिस आ गया है। आप यहां पर देख सकते हैं, स्किल टेस्ट स्टेनोग्राफर ग्रेड सीएनडी एग्जामिनेशन 2019 यानी कि 2019 का जो है ग्रेड सीएनडी एग्जामिनेशन स्टेनोग्राफर का, इसी को लेकर के ये नोटिस है। तो इसके बारे में मैं आप लोगों को पूरी जानकारी को बताता हूँ। यहाँ पर क्या है यह नोटिस, द स्किल टेस्ट स्टेनोग्राफी टेस्ट फॉर द एलिजिबल कैंडिडेट्स फॉर स्टेनोग्राफर ग्रेड सीएनडी एग्जामिनेशन 2019 इज शेड्यूल्ड ऑन 21/10/2021 यानी कि ये जो एग्ज़ाम का शेड्यूल दिया गया हुआ है 21 अक्टूबर 2021 और 22 अक्टूबर 2021 को यह एग्ज़ाम होगा। यह है स्किल टेस्ट और स्टेनोग्राफी टेस्ट। तो यह एक बहुत बड़ा अपडेट है। तो जितने भी कैंडिडेट्स पास किए हैं वो इन दो तारीख के बीच में अपना स्टेनोग्राफी टेस्ट को दे सकते हैं। इन दिस कॉन्टेक्स्ट कैंडिडेट्स में नोट, ये जो है नोट दिया गया है, द प्रिंट आउट ऑफ द टाइप्ड टेक्स्ट विल नॉट बी टेकन आफ्टर द स्टेनोग्राफी स्किल टेस्ट। तो यहाँ पे जो है द प्रिंट आउट ऑफ टाइप्ड स्किल टेक्स्ट विल नॉट बी टेकन आफ्टर द स्टेनोग्राफी स्किल टेस्ट। तो स्टेनोग्राफी स्किल टेस्ट होने के बाद में जो टाइप रहेगा उसका प्रिंट आउट को नहीं लिया जाएगा, ये कहा जा रहा है। साथ ही साथ कैंडिडेट्स फॉर इंग्लिश ट्रांसक्रिप्शन टाइपिंग आर एडवाइज टू चूज इंग्लिश US एज देयर कीबोर्ड और लेआउट ऑप्शन। तो यहाँ पे जो है इंग्लिश में जो भी टाइपिंग करेंगे वो US इंग्लिश को ही अपना चूज करेंगे, ये उनको एडवाइस किया जा रहा है कीबोर्ड लेआउट ऑप्शन में। यहाँ पर US और USA वाला जो होता है उन दोनों में से केवल US को ही, UK वाला भी होता है, तो इसमें US वाला को ही चूज करने के लिए कहा गया है। कैंडिडेट्स फॉर हिंदी ट्रांसक्रिप्शन टाइपिंग आर एडवाइस टू चूज हिंदी इनस्क्रिप्ट, हिंदी कुर्तीदेव, हिंदी रेमिंगटन CBI, हिंदी रेमिंगटन गेल एज देयर कीबोर्ड लेआउट ऑप्शन। और जितने भी कैंडिडेट्स जो है वो हिंदी टाइपिंग वाले हैं वो हिंदी स्क्रिप्ट चूज करेंगे, हिंदी कुर्तीदेव को चूज करेंगे, हिंदी रेमिंगटन CBI का चूज करेंगे और हिंदी रेमिंगटन गेल को ही अपने कीबोर्ड लेआउट ऑप्शन में चूज करेंगे, तो ये भी कहा जा रहा है। साथ ही साथ यहाँ पर VH कैंडिडेट्स हु विल ब्रिंग द ब्रेल टाइपराइटर विल बी एलोटेड एन आइसोलेटेड सीट टू अवॉइड एनी डिस्टर्बेंस टू अदर कैंडिडेट्स। तो जितने भी कैंडिडेट्स हैं जो ब्रेल टाइपराइटर लेकर के आएंगे उनको आइसोलेट कर दिया जाएगा और एक अलग से ही सीट दे दिया जाएगी जहां पर कोई डिस्टर्ब ना हो। इसके अलावा में जो है द कमीशन विल प्रोवाइड द कंप्यूटर एंड कीबोर्ड एंड शॉर्ट हैंड नोटबुक फॉर द टेस्ट, नो कैंडिडेट्स विल बी अलाउड टू ब्रिंग हिज ओन कीबोर्ड। यहां पे जो है कमीशन की ओर से ही उनको कंप्यूटर कीबोर्ड और शॉर्ट हैंड नोटबुक दिया जाएगा, कोई भी कैंडिडेट जो है वो अपना कीबोर्ड को नहीं लाएंगे यानी उनको अलाउ नहीं किया गया है। साथ ही साथ यहाँ पे कैंडिडेट्स विल ब्रिंग देयर ओन पेन पेंसिल शार्पनर इरेजर फॉर द टेस्ट। यहाँ पे कैंडिडेट्स को कहा जा रहा है कि वे लोग अपना पेन को, पेंसिल को, शार्पनर और इरेजर को टेस्ट के लिए लेकर के आएंगे। इसके बाद में है यहाँ जो अपडेट हुआ है, कॉम्पेंसेटरी टाइम टू एलिजिबल कैंडिडेट्स विल ओनली बी परमिसेबल ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन, देयर विल नॉट बी एनी कंपेंसेटरी टाइम ड्यूरिंग द शॉर्ट हैंड डिस्ट्रक्शन। तो यहाँ पे जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनको उतना ही टाइम दिया जाएगा और उसके अलावा दूसरा टाइम जो है वह नहीं दिया जाएगा, ये भी कहा जा रहा है। ए डेमो लिंक फॉर स्टेनोग्राफी टेस्ट विल ऑल्सो भी अपलोड ऑन द वेबसाइट ऑफ द कमीशन इन द कैंडिडेट्स कॉर्नर फॉर द बेनिफिट्स ऑफ द कैंडिडेट्स। तो यहाँ पे जो भी कैंडिडेट्स हैं उनको किस प्रकार के देना है इसके लिए वो वेबसाइट में एक टेस्ट अपलोड कर दिया गया है, तो वहाँ पे आप लोग कैंडिडेट्स कॉर्नर में जाकर के इसको देख सकते हैं जिससे आप लोगों को ये कैंडिडेट्स को लाभ मिलेगा। तो ये एक बहुत अच्छा नोटिस है कि जितने भी कैंडिडेट्स पास किए हैं स्टेनोग्राफर CND वाले वे अब तैयार रहेंगे और उनको इतने जो सारे अपडेट दिया गया है उनको देख करके जाना है। आप यहाँ पे फिर से देख सकते हैं, यहाँ पर अंडर सेक्रेटरी 11/10/2021 यानी कि आज के दिन में यह नोटिस आया है। तो जितने भी नोटिस था वो मैंने आप लोगों को बता दिया, तो आप आराम से इन सारी चीज़ों को देख करके जा सकते हैं। तो यहाँ पर जो है 21 अक्टूबर और 22 अक्टूबर का डेट दिया गया है स्टेनोग्राफर CND के लिए, तो आप इतनी सारी जानकारी को देख सकते हैं। तो यह नया नोटिस है।